हेलो एवरीवन, वेलकम टू इश्कोशाला। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो एक नया चैप्टर है। साथ ही साथ हम जब नया चैप्टर शुरू करते हैं तो उससे पहले हम उसका देखते हैं इंट्रोडक्शन, ताकि हमें ये समझ में आए कि आखिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन क्यों पढ़ने जा रहे हैं, आखिर कॉन्स्टिट्यूशनल होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन क्या होता है। तो उसके लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को समझोगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन होता क्या है, आखिर उसे डिजाइन करने की जरूरत हमें कहाँ पड़ रही है। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं होता, कई सारे रूल्स होते हैं। और जो ये रूल्स होते हैं ये किसके लिए होते हैं? ये सिटीजन के लिए भी होते हैं, ये गवर्नमेंट के लिए भी होते हैं। उन सभी रूल्स को एक साथ एक बुक के अंदर लिख देते हैं और इसे हम क्या कह देते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कह देते हैं। तो ये बेसिक क्या है? सेट ऑफ रूल्स है। ओके, सेट ऑफ रूल्स है और इसे ही हम किस नाम से जानते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। अब हम शुरू करते हैं आज के हमारे इस चैप्टर को, इस इंट्रोडक्शन को। वी नोटेड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट इन अ डेमोक्रेसी द रूलर्स आर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे लाइक। जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो अभी के लास्ट चैप्टर में हमने यही तो डिस्कस किया था, डेमोक्रेसी, व्हाट डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी में हमने यही तो समझा था कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का जो एक्चुअल एक्सेंस है वो कहाँ पे है? तो सर वो है लोगों के अंदर, वो है किसमें? जनता के अंदर। जहां जनता हमें देखने को मिलेगी, जहां पीपल हमें देखने को मिलेगा, वहीं हमें क्या देखने को मिलेगी? एक्चुअल पावर हमें देखने को मिलेगी। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर जो डेमोक्रेसी है उसमें जो एक्चुअल पावर है वो किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में होती है, ना कि रूलर्स के हाथ में। देयर आर सर्टन बेसिक रूल्स दैट द सिटीजंस एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो। तो ऐसे में कुछ ऐसे सर्टन बेसिक रूल्स होते हैं जो सिटीजंस को और साथ ही साथ गवर्नमेंट को फॉलो करने होते हैं। तो समझ में आया कि सर जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है? इलेक्शन होता है, इलेक्शन से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव आए हैं वो रिप्रेजेंटेटिव क्या बनाते हैं? गवर्नमेंट बना देते हैं। तो ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि जो ये गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, गवर्नमेंट फॉर्म तो बाद में हुई है, पहले कौन आए? पहले सर सिटीजन आए। तो ऐसे में सिटीजन के लिए रूल बनाए गए, फिर इस गवर्नमेंट के लिए भी रूल बनाए गए। तो ऐसे में जो सिटीजन है और जो हमारी गवर्नमेंट है, उन दोनों के लिए ही जो रूल्स हमें देखने को मिलते हैं, ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। इसे ही हम क्या कह देते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कह देते हैं। तो हमें ये तो क्लियर हो चुका है कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन और कुछ भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बेसिक रूल्स है जो सिटीजन और गवर्नमेंट के लिए बनाए गए हैं, और बनाने के अलावा हमें इन्हें फॉलो करना भी जरूरी है। फिर हम आगे देखते हैं एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। जब हम बात करते हैं सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री की, तो कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन द राइट्स ऑफ सिटीजन। तो ऐसे में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ये बताता है कि आखिर हमारे सिटीजन के पास कौन कौन से राइट है। जैसे कि हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम है, हमारे पास राइट टू एक्सप्रेशन है, हमारे पास राइट टू स्पीच है। तो ये सारे राइट्स हमें देखने को कहाँ मिलते हैं? ये अपनी जो होल पावर है वो हमें कहाँ से देखने को मिलती है? इनकी वो देखने को मिलती है हमें कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि किसी सिटीजन के पास क्या पावर्स है, क्या उसके पास राइट्स है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट के पास पावर है हमें वो पता पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशन से, एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन। और साथ ही साथ हमें ये भी पता पड़ता है कि एक जो गवर्नमेंट है उसे कैसे फंक्शन करना चाहिए, उसे कैसे अपने ओवरऑल जितने भी फंक्शंस हैं उन फंक्शंस को परफॉर्म करना चाहिए। तो ऐसे में हमें एक आइडिया तो लग ही चुका है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ हमें ये बता रहा है कि हमारे राइट्स क्या है, हमारी गवर्नमेंट के पास पावर क्या क्या है, और साथ ही साथ जो राइट्स है, जो गवर्नमेंट की पावर्स है, उनके साथ जो गवर्नमेंट फंक्शन कर सकती है वो क्या क्या हो सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी आस्क सम बेसिक क्वेश्चन। इस चैप्टर के अंदर हम कुछ बेसिक क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइंस ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि सर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, आखिर हमें क्या जरूरत क्या आई हमें कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो क्या हमारा कंट्री नहीं चल पाता? बिना कॉन्स्टिट्यूशन के भी तो इतने सालों से हमारा कंट्री चल ही रहा था ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन हम क्यों लेकर आ गए? क्योंकि सर जब जरूरी होती है बात तो हमें लेके आने पड़ती है उसके लिए कुछ लीगल मेजर्स की। लीगल मेजर्स क्यों लाने पड़ते हैं हमें सामने? ताकि हम ये बता सके, हम एक चीज को बता सके कि अगर ये रूल, हम इस राइट की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे पास ये राइट है। ये हमें कैसे पता पड़ेगा कि सर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसा लिखा हुआ है? तो ऐसे में हमें ये समझ में आ गया है कि सर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी नीड हमें बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये हमें बताता है कि हमारे पास राइट्स क्या क्या है। ये हमें ये भी बताता है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के पास क्या क्या राइट्स है, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है वो कैसे गवर्न कर रही है। हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप, आखिर कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, हु डिजाइन देम एंड व्हाट वे। और ऐसे में कौन लोग ऐसे थे जिन्होंने इसे डिजाइन किया और उन्होंने वो किस तरीके से किया। व्हाट आर द वैल्यूज दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेटिक स्टेट्स। और ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज होती है जो एक कॉन्स्टिट्यूशन को शेप करने में मदद करती है एक डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर। वंस अ कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सेप्टेड कैन वी मेक चेंजेस लेटर एज रिक्वायर्ड बाय द चेंजिंग कंडीशन। तो ऐसे
में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो क्या उसके अंदर कोई अमेंडमेंट्स लाए जा सकते हैं, क्या उसके अंदर कोई चेंजेस लाए जा सकते हैं, अगर सिचुएशन चेंज होती है तो क्या उसमें कोई चेंजेस लाए जा सकते हैं। तो हाँ, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन के जो आंसर है वो हमें आगे मिलने वाले हैं। वन रिसेंट इंस्टांस ऑफ डिजाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ डेमोक्रेटिक स्टेट इज दैट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो अब हम एक इंस्टांस भी देखेंगे, कहां का इंस्टांस है सर, ये है साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका के अंदर जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन देखा है जो डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए बनाया गया था, उसका डिजाइनिंग कैसे हुआ था हम वो देखने वाले हैं। वी बिगिन दिस चैप्टर बाय लुकिंग एट व्हाट हैपेंड देयर एंड हाउ द साउथ अफ्रीकन वेंट अबाउट दिस टास्क टू डिजाइन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे में हम इस चैप्टर में यही देखेंगे स्टार्टिंग में ही कि आखिर जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीकन्स ने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे कैसे डिजाइन किया, कैसे उसे वो आगे एक्सेप्ट करते हैं। देन वी टर्न टू हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, और इसके बाद हम ये समझेंगे कि आखिर इंडियंस ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिजाइन किया, इंडियंस ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया, क्योंकि पहले हमें बेसिक आइडिया लगना चाहिए कि अभी जो रिसेंट का एग्जांपल है, जो रिसेंट का इंस्टांस है, पहले हम वो क्लियर कर लेंगे कि आखिर साउथ अफ्रीका में कैसे बना, कैसे वहां के लोगों ने उसे डिजाइन किया, कैसे उसे इतना सुटेबल बनाया कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए उसे एक्सेप्ट किया जा सके। फिर उसके बाद हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम समझेंगे कैसे, किसने कहां कब किस समय इसे क्या किया है, राइट क्या है, लिखा है, किस लिए उसे बनाया गया है, किस तरीके से इसे बनाया गया, ये सारे जो क्वेश्चन है वो हम कहां देखेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में हम देखेंगे। व्हाट इज फाउंडेशनल वैल्यूज, उसके जो फाउंडेशनल वैल्यूज थी वो क्या क्या थी, क्योंकि जब फाउंडेशन जो होता है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखना चाहिए। जब तक हमें यही नहीं पता कि हमें फाउंडेशन रखना क्या है, हमारे लिए कौन कौन सी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि सर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उन सभी के लिए ये फाउंडेशनल वैल्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड हाउ इट प्रोवाइड्स अ गुड फ्रेमवर्क फॉर द कंडक्ट ऑफ सिटीजन। और साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि आखिर एक सिटीजन के लिए, एक सिटीजन के पर्सपेक्टिव से ये कैसे एक ऐसा पर्सपेक्टिव हम बना सकते हैं, कैसे हम ऐसा फ्रेमवर्क बना सकते हैं जिसमें वो अच्छे से काम कर सके। कंडक्ट ऑफ सिटीजन लाइफ एंड डेट ऑफ द गवर्नमेंट, और साथ ही साथ जैसे गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है, जैसे उस फाउंडेशनल वैल्यू से वो काम कर रही है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से ही पता पड़ती है। तो हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो सिटीजन है, जो हमारे गवर्नमेंट है, उन सभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन सही नहीं कर पाएंगे, जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से फ्रेमवर्क में नहीं डाल पाएंगे, तब तक हम हमारी कंट्री को एक अच्छे से गवर्न भी नहीं करा पाएंगे। तो बच्चों आज के इस टॉपिक में इतना ही। इस टॉपिक में हमने यही समझा है कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन हम समझेंगे साउथ अफ्रीका का, और उसके बाद हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए इस कोर्सशाला के यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।